अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे से होंगे। तो ये देखो, ये जुगाड़ू कैसे कर रहा है, अपने शूज़ को पॉलिश कर रहा है। देखो पॉलिश कर रहा है, सर पे लगा रहा है। ओके ओके, सर पे लगा रहा है। सॉरी माय मिस्टेक। ये हमारा एवरीडे का रूटीन है, मॉर्निंग टू इवनिंग यही काम है। सुबह सुबह इसको स्कूल में छोड़ो, बस सब कुछ, इसका टिफ़िन वगैरह सब रेडी हो चुका है, इसने नाश्ता भी कर लिया है। अब ये देखो, तेल सर से बाल सेट तो करो। वो साइड घुमाइए, साइड, हाँ ऐसा, वो साइड, हाँ। बाबा बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? ये वाला भी पोछ, सब्जी मंगवानी है थोड़ा, सुबह में देखेंगे क्या है, क्या क्या का काम है, फिर देखेंगे क्या बनाना और क्या नहीं। चलो फास्ट फास्ट करके लो, नीचे जाना है, बस आ जाएगी तुम्हारी। हो गया? चलो वेरी गुड। चल चलो, हाय हाय, संभल के आ जाओ। चलो शूज पहन लो। चलो क्या बोलते, बैग ले लो। बिस्मिल्लाह, रुको मैं चप्पल तो पहनूं। चलो क्या हो गया, अभी यहाँ पे वेट करेंगे ना पहले बस का। आसमान देखो कितना अच्छा दिख रहा है आज, माशाल्लाह। सूरज निकला नहीं है बट बहुत अच्छा है दिन, एकदम मस्त वाला है ना, आज की सुबह अच्छी है। साइकिल कहाँ है? साइकिल इतना बाहर नहीं रखने का, उसको अंदर रखने का थोड़ा। मम्मी इतनी गाड़ी, वहाँ स्पेस है ना, जगह है वहाँ रखने का ना बेटा। कितना अच्छा लग रहा है देखो, आसमान बारिश हो के गई शायद रात में, रोड पूरा देखो गीला है, उधर का पानी। जब साइकिल को अंदर रख कर, बैग यहाँ रखो, मैं संभालती हूँ, वेट करेंगे यहाँ पे जब तक। अरे अरे टिफिन है उसमें से, नहीं फेंको। अंदर साइड कर दो साइकिल को तुम्हारी।
मेरा बेटा देखो कैसे यहाँ वेट करते करते जाके बस का वेट कर रहा, आगे रोड पर जाके देख रहा बस अभी तक आई क्यों नहीं। क्या हुआ, आई बस? ए कबीर आई? बस का इंतजार कर रहा है रोड पर खड़े रखे। बताओ बस आती है वहां से, वहां से आती है बस, फिर यहाँ पे आके रुक जाती है। बस को देखो कैसा वेट कर रहा है। लड़का बस के चक्कर में देखो यहाँ तक कैसा खड़ा है, कब से खड़ा है यहाँ पर। बस का तो पता नहीं, रोड खाली है पूरा। फिर से देखो मैं इसका बैग लेने के लिए, क्योंकि उसकी बस आ चुकी है। देखो भाई साहब की बस आ गई पालन करने के लिए। गया तो चलिए, कबीर गया स्कूल और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन से सब्जियाँ मंगा ली। मैंने बिग बास्केट से मंगवाया क्योंकि सब्जी वगैरह था नहीं कुछ ग्रोसरीज, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा मंगा ले। तो आज बहुत बहुत सारी सब्जियाँ मंगाई यहाँ पर। मैंने बैगन मंगा लिया भरते वाला, यहाँ पर लौकी मंगा लिया था, लाइक बहुत बहुत सारी, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत था। और यहाँ पर था एक मदर रेसिपी गार्लिक चिली सॉस, ये मैंने फर्स्ट टाइम मंगाई क्योंकि मेरे पास सॉसेज है, बट थोड़ा सा सोची एक गार्लिक वाला ट्राई करते हैं, तो मैंने ये मंगवा लिया। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर मशरूम्स, फिर स्नैक गॉड, या इसको स्नैक गॉड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट हम लोग तो कोई की सब्ज़ी बोलते हैं, कोई की सब्ज़ी बोलते हैं, तो पता नहीं यहाँ पर क्या बोलते हैं। मैं बहुत कंफ्यूज थी इसको लेकर कि इसको बोलते क्या है। स्नैक गॉड आई नो कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारी लैंग्वेज में हम लोग इसको कोई की भाजी बोलते हैं। कमेंट करना इसको हिंदी में कि मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बताना कि इसको क्या बोलते हैं। दूधिया कैबेज वगैरह मंगा लिया था, इसके अलावा बहुत सारी सब्ज़ी थी। तो चलो ये सब सेट करते हैं, फ्रिज में रख देती हूँ और फिर देखते हैं खाने में क्या बनाना है। चलिए सब्ज़ी वगैरह जो भी था मैंने फ्रिज में अच्छे से स्टोर कर लिया। और यहाँ पर मैंने देखो प्याज फ्राई करके ले लिया है, और यहाँ पर मैंने राइस एक घंटा हो गया भिगा के रख लिया, आलू काट के रख लिया। और यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रॉन्स, मैं बनाऊंगी प्रॉन्स बिरयानी। तो प्रॉन्स बिरयानी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है देखिए टमाटर, हरी मिर्ची, होल गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कोदमिर, पुदीना मैं ऐड नहीं करूँगी यहाँ पे, फिर थोड़ा सा दही, और ये रेगुलर मसाले लिए और प्याज मैंने फ्राई कर लिया। तो चलो फटाफट बना के लेते हैं क्योंकि मुझे शाम के लिए आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना के ले रही हूँ क्योंकि मुझे अलग से काम भी है। तो चलो फिर कुछ खास नहीं है, बट हाँ कबीर को होमवर्क वगैरह करवाना है तो इसीलिए थोड़ा जल्दी से बना कर लेते हैं। पहले मसाला भुनने के लिए रख देंगे यहाँ पर। यहाँ पे मैंने डेगची चढ़ा दिया है और थोड़ा फास्ट बहुत झटपट बनती है ये बिरयानी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने जिसमें प्याज फ्राई की थी वही तेल इसमें ऐड करूँगी। प्रॉन्स बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और उसमें थोड़ा टमाटर का जो टेस्ट होता है ना, हल्का सा एक टैंगीनेस, वो अच्छा लगता है टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालने का। चलिए तेल हो गया है यहाँ पे, ऐड कर लिया। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे आलू, क्योंकि आलू को भूनना है।
क्या हुआ? इसको अच्छे से थोड़ा भून के लेंगे, उसके बाद सारे मसाले ऐड करेंगे। आलू थोड़ा सा जब गल जाएगा तभी इसमें प्रॉन्स ऐड करेंगे, अभी नहीं। थोड़ा सा गैस स्लो करके इसमें दही ऐड करेंगे। अब इसको स्लो करके 5 मिनट में, 5 मिनट के लिए मतलब मैं छोड़ दूंगी, और तब तक यहाँ पर मैं चावल बना कर लेती हूँ। चलो देखते हैं मसाला हुआ कि नहीं। हो गया। मेरे बच्चे ना आलू बहुत मतलब एकदम सॉफ्ट वाला आलू खाते हैं, इसीलिए मुझे आलू को बहुत अच्छे से गलाना पड़ता है। चलो यहाँ पे ये हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉन्स। प्रॉन्स के साथ साथ ऐड करेंगे यहाँ पे फ्राई किया हुआ अनियन। थोड़ा सा कोथमीर ऐड करूँगी क्योंकि प्रॉन्स को पकने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रॉन्स भाप में ही गल जाता है, और कैसा भी दम पर रहेगा तो दम पर ये अच्छे से पक भी जाएगा। प्रॉन्स में से देखो हल्का हल्का पानी छूटने लगा है, मैं इसे पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैंने किया भी नहीं है। चावल भी मेरा हो चुका है तो देखिए मैंने प्रॉन्स डाल दिया, मसाला डाल दिया है, जो भी था सब ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पर राइस ऐड कर दूँगी इसमें, क्योंकि हमको ज़्यादा मसाले वाला बिरयानी नहीं चाहिए। प्रॉन्स में से जो पानी छूटेगा बस उसी में ही प्रॉन्स भी पकेगा और चावल जो भी दम पर रहेगा बिरयानी यानी के दम पर ये परफेक्टली बन जाएगा। यहाँ पर मैं चावल ऐड करूँगी। चावल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ ज़ीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और कुछ भी नहीं। बोला ना मैंने बहुत सिंपल सब है, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बनता है और बहुत बहुत झटपट बनता है ये। बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते बिरयानी में, बट हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए हम लोग आलू डालते हैं इसमें। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा येलो कलर, फ्राई प्याज, कोथमीर ऐड कर दिया है। आज मैं यहाँ पे कपड़ा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा वॉल पेपर ख़त्म हो चुका है। अब मैं गई नहीं हूँ मार्केट, तो जाऊँगी तब लेकर आऊँगी। ग्रोसरीज मंगाई थी बट वॉल पेपर मंगाना मैं भूल गई, तो ये यहाँ पर इसके ऊपर ऑब्वियसली मेरा हमेशा वाला मुसल उसल क्या बोलते वो रखूँगी। सबसे पहले ये तो मैंने रख दिया, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊंगी तवा नीचे ताकि चावल जो है वो लगे ना। थोड़ा फास्ट करती हूँ ताकि तवा गर्म हो जाए। और ये अब मैंने यहाँ पर रख दिया है, तवा जैसे गर्म हो जाएगा मैं स्लो कर दूंगी और इसको मैं 15 मिनट स्लो पे यानी कि दम पर पकाऊंगी। चलिए बिरयानी जब तक दम पर है अपन दूसरा काम करके लेते हैं। मुझे करना है जो कपड़ा धुला हुआ था उसको सुखाना, मतलब सुखाने रखी थी उसको निकालना है क्योंकि काम वाली मेरी अभी 8 दिन नहीं आएगी, तो
तो ये कपड़ा सूख गया है, उसको निकालूंगी, खड़ी करूंगी थोड़ा बालकनी में। एक्चुअली मेरे पास एक्स्ट्रा गेहूं रखा हुआ है जो वेस्ट है, यानी कि पुराना हो गया, तो इसको मुझे देना है। यहाँ पे सामने तबेला है, वो वहाँ पर तबेला है, तो वहाँ पर मैं कबीर को बोलती हूँ कि जाकर वो गाय को दे दे, एटलीस्ट वो खा तो लेगी। तो बस कुछ खास नहीं, थोड़ा झाड़ों में पानी डालना है और ये सब कपड़ा जो भी सब निकाल दूंगी घड़ी करके, सब ये सब घड़ी करना है। तो देखो मेरे को सबसे बोर वाला काम लगता है, मतलब बोरिंग वाला सबसे, वो यही लगता है कपड़ा। मतलब कपड़ा चलो धुल तो जाता है, सुखा तो देती हूँ, बट घड़ी करने में ना मेरे को बड़ा जान पे आता है। तो अभी ये सब कपड़ा वपड़ा निकालती हूँ, फटाफट इसको घड़ी कर कर लेती हूँ। उसके बाद जब तक तो का ये सब छोटे मोटे काम करते करते चावल मेरा दम पर हो जाएगा, यानी कि बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। तो उसको फटाफट निकालते हैं। चलिए सारे कपड़े निकाल लिए मैंने, और ये देखो मेरी छोटी मोटी, मेरी छोटी को, चलो आओ। सारे कपड़े निकाल लिए, रैक हटा दिए, ये दो मायशा की चड्डी जो है अभी गीली है, तो बालकनी वगैरह से पूरा हटा दी, साफ़ कर दी, और जो गेहूं था वो कबीर को लेके भेज दिया। और आज का मौसम देखो माशाल्लाह कितना अच्छा है आज का मौसम, देखो आज बारिश नहीं हुई बट मौसम इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा, धूप नहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ना मामू। देखो इसको, देखो जिब्रन को, ए जिब्रन अबू इधर देख, देख ना भैया वाली, मेरा बेटा वहाँ गया इसलिए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रही है, भैया भैया। तो चलो मौसम तो वैसे भी बहुत अच्छा है, अब ज़रा चलते हैं, थोड़ा सा काम करके लेते हैं, फटाफट ज़रा इसको घड़ी करके लेती हूँ। कपड़े हो गए, घड़ी एकदम फास्ट फास्ट में मैंने करके दिखा दिया तुम लोगों को अभी के मैं कितना फास्ट फास्ट देखो कपड़ा घड़ी करती हूँ, कपड़ा घड़ी कर लिया। और अब देखते हैं बिरयानी, यहाँ पे मैं गैस ऑफ कर दी, बिस्मिल्लाह, उफ माशाल्लाह, देखिए कितना अच्छे से बना है चावल, एकदम समझ में आ रहा खिला खिला है, गरम गरम है अभी, देखिए चावल एकदम खुल गया है। तो चलो बच्चे मेरे नीचे गए हैं, वो आएंगे तो उनको खाना दूंगी। नज़दीक से दिखाती हूँ, देखो अभी माशाल्लाह एकदम परफेक्टली बिरयानी बनके रेडी हो गई है, प्रॉन्स बिरयानी। तो बच्चे मेरे आएंगे तब खाना निकालूंगी मैं, तो चलो चलो अभी वेट करते हैं थोड़ा। तो आ जाइए अभी हमारे साथ चाय पीने के लिए, खाना बच्चों ने, मैं बच्चों को बोली खाना खा लो तो ये बोलते हैं नहीं खाना नहीं खाएंगे, चाय दो चाय पियेंगे। तो मेरे बच्चे बैठ गए चाय पीने के, और देखो चाय के साथ, ए चाय के साथ देखो चाय खा, चाय बिस्किट ला कर दी, तो ये देखो ये हरकत है देखो इनकी, ये देखो चलो चाय के बाद अभी एक आधा घंटा चाय चाय पीने का, देख आधा घंटा रुक कर फिर इन लोगों को खाना खिलाऊंगी, बाकी के सारे काम हो चुके हैं। देखो मेरी छोटी को देखो एक ऐसा मस्त बैठी है वो भी, मायू इधर देखो, मायशु इधर देखो, मम्मा ए मम्मा हाय करो, इधर इधर देख के हाय करो, बस ही हाय बगैर देख के। तो चलो चाय वाय पीते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद इनको खाना खिला के मस्त सीधा बिस्तर पे सुलाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे टाइम चले जा रहा पता ही नहीं चलता। सुबह 5:30 बजे से उठी हूँ, अभी तक देखो अब बज रहा है खाना वाना बनाने की बात की, अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है और अभी चाय पी रहे हैं, आधा एक घंटा रुक कर फिर इनको खाना खिला दूंगी। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए खाना निकाल लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हो गया खाना खाने का, बच्चों को ज़रा खाना ना खिलाती हूँ और सुलाती हूँ। ये देखिए मेरी छोटी, देखो खाना छोड़कर ककड़ी लेके बैठी है, तो यहाँ मैं इन लोगों को खाना निकाल के खिलाती भी हूँ। तो बस क्या ही है, खाने का टाइम हो गया तो बस फिर खाना ही खाना है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना है। तो चलो आओ कबीर बैठो, सा मैं खिलाती हूँ खाना। हाय शम्मा, बच्चे मेरे ज़्यादा खाना खाएंगे नहीं अभी, क्योंकि उन लोगों ने चाय वगैरह पिया है तो वो लोग ज़्यादा खाना खाएंगे नहीं। मायशा खाकर इसी में नहीं डालते, गंदी बात है, ये लो ये डालो डस्टबिन में।
क्योंकि अब क्या कबीर को आ रही है नींद, तो फटाफट मैं सोची लोगों को खाना खिला दूँ। रुको मम्मा मैं पूरा निकालूँ, ये देख आलू माई आलू हटो हाथ हटो। तो क्या है बच्चे मेरे, क्या बोलते हैं ना, एक टाइम बन गया उनका 8:30 लास्ट, उसके बाद अभी का पहले तो फिर भी 11:12 बजता था, जब से स्कूल का टाइम चालू हो गया तो बच्चों का कैसे हो गया अभी ज़रा कम हो गया है, जल्दी जल्दी खा लेते हैं बच्चे। आओ कबीर आगे आ जाओ, बिस्मिल्लाह अल्लाह हुआ अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह अकबर थोड़ू सा नहीं ठीक, चलो कैसा बना है बताना बेटू, खा तो ले पहले, पहली थम्स अप दिखा रहे तभी भी है। एक तो मेरे बेटे के ना मुंह में आया छाला, शैवी उसको पानी दो, मायशा को मेरे बेटे के ना मुंह में छाला आ गया, पता नहीं क्या खा लिया उल्टा सीधा उसके मुंह में आ गया छाला, फिर भी मैंने तीखा इतना बना ही नहीं हूँ, बस खा ले वही बहुत है। लो माँ कैसे तू खाएगा ना, थोड़ा मसाला वसाला लगेगा ना जल्दी सही हो जाएगा, सही है ना। शैवी तुम भी आओ बेटा, ये देखो लड़की को, ले आलू खा ले आलू 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 आलू। शैबी आओ पानी लेके आओ उसके लिए, चलो खा लो फास्ट फास्ट खा लो ठीक है। अच्छा बना, ए लो आ करो संभाल के खाओ, संभालो संभालो।